अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ, बल्कि आज आप सबको मैं अपने किचन में वेलकम कहती हूँ। हाँ जी, किचन जो है ना सबसे अहम पार्ट है हर घर का, और इसका साफ़ सुथरा होना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है ना बाकी सारी जो फैमिली हमारी जुड़ी हुई है। अगर हम अपनी फैमिली को अच्छा खाना पीना प्रोवाइड कर रहे हैं, सफाई का ख्याल रख रहे हैं, तभी हमारी फैमिली हेल्दी है और हर चीज़ में कामयाब भी है। तो मैंने भी अपनी जो किचन से रिलेटेड आज की वीडियो बनाई है, मैंने भी कुछ रूल्स बनाए हुए हैं अपने डेली। मैं जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेती हूँ। कुछ क्लीनिंग जो है ना वो मैं करती हूँ वीकली, कुछ करती हूँ मंथली और कुछ करती हूँ डेली। आज भी जो था मैंने अपनी कुछ क्लीनिंग टिप्स आपसे शेयर करूँगी, जो कि मैं वीकली क्लीनिंग करती हूँ उससे रिलेटेड। तो मैं क्या करती हूँ जी, सबसे पहले शुरू करते हैं, और मैं करने लगी थी आज अपनी वीकली क्लीनिंग, तो मैंने कहा आप सबसे ये भी शेयर करती हूँ। तो जो भी कंटेनर, जो भी छोटे बड़े मसालों वाले कंटेनर, ऑयल के कंटेनर या मेरी दालों के कंटेनर, सीरियल के कंटेनर खाली होते हैं वीक के अंदर अंदर, मैं उनको क्या करती हूँ, मैं उनको सबको निकाल के वॉश कर लेती हूँ। और मैं ये नहीं करती कि जी सब एक दफ़ा खाली हों, उनको एम्प्टी करूँ और देन मैं सारे ही कंटेनर दूँ। इतना क्या होता है, बहुत बर्डन पड़ता है, बहुत ज़्यादा किचन में आपके मैस क्रिएट होता है कि आप पूरी पैंट्री को जब खाली करते हो, उसे कंटेनर दूसरे बर्तनों में डालो और फिर देन आप उनको धो के ड्राई करो और फिर उसके अंदर चीज़ें फिल करो। इससे बेटर क्या है कि जो जो कंटेनर आपका खाली होता जाए आप उसको साथ साथ धोते जाओ। मैं भी वीक के बाद क्या करती हूँ, अक्सर क्या होता है कि मेरे सीरियल का जो बॉक्स है ना, वो सीरियल जो कंटेनर है वो मेरा एक वीक के अंदर ख़त्म हो जाता है, और उसको क्या है कि मैं वॉश कर लेती हूँ। मेरे घर में 3 सीरियल आते हैं और वो क्या होता है वन बाय वन ख़त्म हो ही जाते हैं, और मैं उसको धोकर दोबारा रीफिल कर देती हूँ। इसी तरह कोई भी कुकी का जार होता है या कुछ भी, मतलब मसालों का जार हो, दालों का, बेसन का, शुगर का, या ऑयल की बॉटल्स भी होती हैं, जो भी वीक के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है, मैं साथ साथ उनको वॉश करती जाती हूँ। और वॉश करने के लिए सबसे ईजी तरीका क्या है कि जी बस सोप लगाना होता है और स्क्रब करना होता है अच्छे से, ताकि सारा अच्छे से जो है ना, कॉर्नर को भी क्लीन करना है डिटेल से। एक दफ़ा क्लीन जब आप कर लेंगे तो इसकी लाइफ जो है ना काफ़ी देर के बाद इस कंटेनर की बारी आनी है। यहाँ पर मेरे पास इसका दाल का कंटेनर खाली हो गया था, बिस्किट का कंटेनर खाली था, और मैंने ये ब्लैक पेपर पीस के खुद रखती हूँ, इसका कंटेनर मेरा रात में खाली हो गया था, तो मैंने इसको वॉश कर लिया, और आज जो है ना ब्लैक पेपर जो है पीस कर जब ये ड्राई हो जाएगी तो मैं इसको रीफिल कर लूँगी। इसी तरह जो है ना बाकी सारे भी कंटेनर, मैंने यहाँ पर आती है मेरी किचन में धूप आती है तो मैं यहाँ पर सारे रख रही हूँ, और ये अभी घंटे 2 घंटे में ये ड्राई हो जाएंगे। मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह सुबह नाश्ते में सीरियल खाते हैं, और मैं भी शाम में जब मुझे थोड़ी सी भूख लगती है तो मैं स्नैक के तौर पर सीरियल ही खा लेती हूँ। इस बॉक्स के अंदर आज जो सीरियल डाला हुआ था वो सिनेमन और ब्राउन शुगर उसमें ऐड थी, तो इसका क्या होता है कि कॉर्नर में जो ना जम जाती है, अगर ब्राउन शुगर जम जाती है। अब सीरियल का बॉक्स इतना गंदा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि उस पर ऑयली हाथ नहीं लगते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ब्राउन शुगर और सिनेमन का पाउडर जम जाता है तो मुझे इसको क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर ली क्योंकि ब्राउन शुगर अंदर स्टक हुई हुई थी और इसे कॉर्नर्स में थी, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया, ड्राई कर लिया, और इसको मैंने दोबारा जो सिनेमन वाला मेरे पास सीरियल है मैं उसी के साथ इसको रीफिल करूँगी, और जो गर्म पानी के साथ मैं इसको वॉश कर रही हूँ ताकि इसके सारे जर्म्स भी जो लगे हुए हैं वो भी अच्छे से उतर जाएँ। तो बाजी इसको मैं ड्राई करूँगी, और जब ये घंटे के बाद हो जाएगा ड्राई तो हम इसको रीफिल कर लेंगे, और रीफिल करके हम इसको दोबारा पेंट्री में रखेंगे, जहाँ जहाँ से जो चीज़ उठाएँ वहीं वहीं पर रखें ताकि मैस क्रिएट ना हो। दूसरा तरीका जो कि मैं करती हूँ, मेरे घर में बच्चे माशाल्लाह से टोस्टर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोग टोस्टर में बेगल भी करते हैं, और बेगल के आपको पता है कितने सीड उतरते हैं, और इसके अलावा मेरे बच्चों को हैश ब्राउन भी बहुत पसंद है, हैश ब्राउन भी वो टोस्टर के अंदर ही करते हैं, जब जब जिसकी बारी आती है ओवन ऑन करने की बजाय टोस्टर में लगाते हैं, और फ्राई करने भी नहीं करना पड़ता, टोस्टर के अंदर होता है कि ये अच्छे से जो है ना क्रिस्पी हो जाते हैं। और इसके अलावा पिज़्ज़ा भी बच्चे जो होते हैं ना टोस्टर के अंदर अगर क्रिस्पी हो तो करना हो तो उसको टोस्टर में ही करते हैं, तो काफ़ी जो है टोस्टर का यूज़ हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा है।
तो इसकी वजह से क्या होता है, टोस्टर मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसका ट्रे जो है ना नीचे वाला, ये मैं मुझे हर वीक तकरीबन क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर ज़रे भी बहुत गिरते हैं आके, छोटे छोटे जिस तरह के क्रम्स होते हैं, या पिज़्ज़ा के स्लाइस के छोटे छोटे ज़रे हों, या फिर ब्रेड के ज़रे हों, वो इसके अंदर काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर मैं इसको वीकली क्लीन ना करूँ तो इसके अंदर आप पता है स्मोक पैदा होती है, और इस वजह से टोस्टर बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके ट्रे में ये एक वीक का गंद है, और इसके अंदर आपको अभी नज़र आएंगे छोटे छोटे ज़रे, ये सारे बेगल ब्रेड और पिज़्ज़ा के जो छोटे छोटे क्रम्स होते हैं वो हैं। इसके अलावा सीड हैं, ऑयल जो आपको नज़र आ रहा है ये हैश ब्राउन का ऑयल है, जो कि बच्चों ने इसको यूज़ करने के बाद इसमें आ गया है। अच्छा, इसको क्या करती हूँ मैं, हर वीक क्लीन करती हूँ। जब मैं इसका ट्रे निकाल लेती हूँ, इसके से पहले सबसे पहले मैं नीचे एक शीट बिछाती हूँ ताकि मेरा काउंटर जो है ना गंदा ना हो। न्यूज़पेपर बिछा लें, यहाँ पर न्यूज़पेपर मैंने बिछा लिया और इसके ऊपर टोस्टर रखा है, और थोड़ा सा आपने इसको शेक कर लेना है, उल्टा करके शेक नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होता है टोस्टर की तारें जो होती है ना डैमेज होती हैं। इस तरह जैसा मैंने शेक के बाद शेक कर लें, थोड़ा सा नीचे से जड़े एक्स्ट्रा जो होंगे अंदर वो निकल आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जड़े जो होते हैं छोटे छोटे पीसीस जो है ये ट्रे के अंदर ही इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने टिशू की मदद से अपना ट्रे अच्छे से साफ कर लिया। सिंक में इसको बिल्कुल ना साफ करें, पहले इसको टिशू से अच्छे से साफ कर लें। ट्रे को क्लीन करने के बाद मैंने इसको सिंक पे रख दिया, और मैं इसको साबुन से धोऊंगी अभी ताकि इसके ऊपर से ऑयल उतर जाए। अच्छा, अब ये क्या टोस्टर को क्लीन करने के लिए मैंने क्लीनिंग वाइप्स ली हैं, और ये मैंने लाइसोल के लिए हैं, क्योंकि इससे क्लीन करने से क्या होता है जो भी जर्म्स वगैरह भी लगे होंगे वो भी किल हो जाते हैं, और इससे क्लीनिंग जो है ना बड़े अच्छे से हो जाती है। एक वाइप से ही आपका टोस्टर बड़े अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आपने सब तरफ से क्लीन कर लेना है अंदर से, और तार भी इसकी बिल्कुल ना भूलें साफ़ करनी, क्योंकि जितनी अच्छे से आप अपनी क्लीनिंग कर लेंगे एक दफ़ा, तो ये आपका टाइम फिर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि तार के साथ भी आपको पता है काफ़ी ऑयल वगैरह लग जाती है, ग्रीस लग जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने खुद अपनी किचन को मेंटेन रखने के लिए साफ़ रखना पड़ता है, और ताकि इन चीज़ों की लाइफ बढ़ जाए। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। टोस्टर के ऊपर जहाँ बर्निंग के निशान होते हैं, हीट की वजह से बर्निंग के निशान बन जाते हैं, वहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए वेट वाइप था वो मैंने रख दिया था, वो 5 मिनट तक पड़ा रहा है, उसके बाद मैंने उसको अच्छे से स्क्रब किया है, तो काफ़ी जो है ना बर्निंग के निशान चले जाते हैं, क्योंकि वो जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं और वो साफ़ हो गया, काफ़ी हद तक वो साफ़ हो गया है। अब ये क्या, मैं ट्रे को भी साबुन से अच्छे से धो लूँगी, और इसको ताकि इसके ऊपर से ऑयल की ग्रीस निकल जाए। इसको मैंने धो लिया है, और इसको मैं ड्राई कर देन दोबारा जो है ना अपने टोस्टर में लगा दूंगी। जहाँ पर टोस्टर पड़ा हुआ था वहाँ उस दीवार को भी और उस काउंटर को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये डेली ही रूटीन में क्लीन तो होता है, लेकिन जब आपने उठाया तो इसको क्लीन ज़रूर करना बनता है। उसके बाद हमने अपना टोस्टर वहाँ पर रख दिया, और आप देख रहे हैं कि जब हमने टोस्टर उठाया था तो उसकी लुक डिफरेंट थी, थोड़े से स्टेन थे जो कि हाथों के निशान इस पर लगे हुए थे, ऑयली हाथों के, और इस वक्त ये मुझे रखने में इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक तो लाइट वेट हो गया, और इसकी जब मैंने केयर किया है तो इसकी लाइफ भी बढ़ गई है। छोटी छोटी चीज़ों की केयर करने से क्या करते हैं जी, हम अपने चीज़ों की बचत भी करते हैं और उनकी जो है ना लाइफ को बढ़ाते भी हैं। इसके बाद क्या किया था मैंने, टोस्टर का जो न्यूज़पेपर हमने नीचे बिछाया था उसको बस मैंने रैप किया और उसको मैंने गार्बेज में डाल दिया, काउंटर भी गंदा नहीं हुआ और हमारा काम भी सारा कुछ हो गया। किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है नाइफ़, यानी कि छुरियाँ, और यहाँ पर जो मैंने छुरियाँ रखी हुई हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दो मैंने रखी हुई हैं बटर नाइफ, एक मैंने रखी हुई है फ्रूट वाली, और दो मैंने रखी हुई हैं कटिंग के लिए, जो भी चॉपिंग कटिंग के लिए। और यहाँ पर
जो है दो तो बटर नाइफ हैं, इनको तो मुझे शार्प करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं क्या करती हूँ, ये फ्रूट वाली इसको भी शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दो जो नाइफ है मेरे पास, इनको मैंने इस तरह काउंटर पर रखा हुआ है, और बाकी जो है वो मैंने अभी यूज़ नहीं करती हूँ। जितनी इस्तेमाल में चीज़ आती है उतनी ही बस मैंने निकाली हुई है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बाहर निकालने से क्या होता है, आपको संभालने में भी मुश्किल होती है। अगर उसका यूज़ नहीं हो रहा तो उसको आप ना निकालें। यहाँ पर मैंने जो शार्पनर यूज़ कर रही हूँ वो उसके अंदर तीन ऑप्शन है, और मैं हर वीक क्या करती हूँ कि अपनी नाइफ को शार्प करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे शार्प ना बार बार करनी पड़े। जितनी अच्छी आपकी नाइफ शार्प होगी उतनी अच्छी आपकी कटिंग होगी, काम जल्दी होगा। लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है, इतनी शार्प ना कर लीजिएगा कि मतलब खुदा नास्ता कोई इंजरी वगैरह हो जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी जो नाइफ शार्प कर रही हूँ, और इसके शार्प करने का तरीका क्या है कि वन जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर हमने 10 से 12 टाइम इसको शार्प करना है। इसके बाद सेकंड नंबर है उसमें भी 10 से 12 टाइम करना है, और थ्री पे जो है उस पर भी आप 4-5 टाइम इसको रब जो है ना शार्प कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी दोनों छुड़ियाँ अच्छे से शार्प कर ली हैं। ये नाइफ शार्पनर मैंने आज से तकरीबन 6 से 7 ईयर पहले जो है ना कैनेडियन टायर से लिया था, और ये उस टाइम पे $10 का आया था। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और इतने सालों से इतना परफेक्ट है, और आप इसकी लुक से अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे लगता है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। जब आप अपनी नाइफ को शार्प कर लें अच्छे से, तो आप इसको क्लीन ज़रूर करें, वॉश कर लें, या किसी टॉवल पेपर से या टिश्यू पेपर से आप इसको, उसका जो है ना डस्ट जो इसके ऊपर लगा हुआ है, जो भी रस्ट उतरा है, वो आप इसको ज़रूर साफ़ करके देन इसको वापस जो है ना अपनी कबर्ड में रखें, या जहाँ पर भी आप अपनी नाइफ को रखते हैं रखें। ये यहाँ पर कैनेडा में जैसे कि मीट के जो है ना पीसीज खुद छोटे बड़े करने पड़ते हैं, आप बुचर से भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद करने वाले हैं, आप खुद सेटिस्फाइड होते हैं कि जी आपने खुद कट करना है, या सम टाइम ऐसे बड़े मीट के पीसेज आ जाते हैं जिसको कि आपको बड़ी नाइफ से करना पड़ता है, तो उसके लिए बड़ी नाइफ भी होनी बहुत ज़रूरी है, और उसका शार्प होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मीट जो कटिंग के लिए, अच्छी मीट कटिंग के लिए छुरी जितनी अच्छी शार्प होगी उतना अच्छा जो है ना मीट कट होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है ना ये नाइफ भी काफ़ी देर से शार्प नहीं किया था, तो मैंने इसको शार्प कर लिया है। इसको मैं वीकली नहीं करती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तब भी मैं करती हूँ, और इसको सेफ़ जगह पर रखते हैं, क्योंकि बच्चों की पहुँच से ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। हालांकि बच्चे समझदार हैं, फिर भी ये चीज़ें जो होती ना आपको पहुँच से दूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो काम मैं हर वीक में करती हूँ वो मैं करती हूँ अपना माइक्रोवेव क्लीन, और जिस तरह मैं करती हूँ उस तरह ही मैं आपको मेथड्स बताऊँगी। आज मैं करने लगी हूँ तो मैं आपको सोचा कि आपको शेयर कर देती हूँ। ये सारे काम आपको सिर्फ 10-10, 15-15 मिनट के लिए, आपको इसके लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन फिर आपको एक वीक के लिए बिल्कुल आराम और सुकून हो जाता है कि यार ये चीज़ें मेरी साफ़ हो गई हैं, और फिर आप अपनी बाकी कोई अदर चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो जो चीज़ें रह गई होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कैंडल ऑन किया है, बड़ा अच्छा रिलैक्सिंग जो एकदम मूड बन जाता है इसकी स्मेल के साथ। तो चलें जी, आप कर लेते हैं माइक्रोवेव क्लीन। एक प्याली ले लेनी है, और माइक्रोवेव सेफ हो उसके अंदर हमने डाला है तकरीबन आधी प्याली पानी डाला है। इसके अंदर मैंने डाले 3 टेबलस्पून विनीगर के, और इसको मैंने माइक्रोवेव किया है 1 मिनट के लिए। माइक्रोवेव में पानी आपने इतनी देर के लिए गर्म करना है जितनी देर में पानी को बॉयल आए। मेरा 1 मिनट में आ गया था, तो मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए अपना माइक्रोवेव बंद रखा था। स्टीम बननी चाहिए आपके पानी के अंदर, फिर मैंने ये किया। अभी भी देख रहे हैं आपके काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुका है, और मैंने यहाँ पर आपके किया एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया है, और इस पानी के अंदर मैंने फ्यू ड्रॉप जो है ना डिश सॉप के डाले हैं। अब इसी कपड़े के साथ जो है ना मैं पानी डिप करके इसके साथ ही अपना पूरा माइक्रोवेव क्लीन कर लूँगी। आप बिलीव करें कि लेमन स्लाइस के साथ भी बड़ा अच्छा माइक्रोवेव क्लीन होता है, लेकिन जितना अच्छा विनीगर के साथ होता है ना, वो किसी चीज़ के साथ भी नहीं होता। अच्छा, इसके साथ क्या है कि एक तो क्लीनिंग बहुत अच्छी रहती है, और दूसरा क्या है कि जी आप बिलीव करें कि स्मेल बिल्कुल नहीं रहती, कोई भी फूड की स्मेल आपके माइक्रोवेव में से नहीं आएगी। जब आप क्लीन कर लेंगे ना, तो समझ लेंगे वीक तो आपके माइक्रोवेव के अंदर जो जड़े गिरेंगे वो तो लादा बात है, कोई फूड गिर गई वो डिफरेंट है, लेकिन आपके माइक्रोवेव में स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
माइक्रोवेव के अंदर जो डिश और रिंग लगा होता है उसको भी मैंने अच्छे से जो है ना क्लीन कर लिया है। कोई भी कॉर्नर है छोटे छोटे आपके लगता है कि माइक्रोवेव के अंदर जहाँ पे आपको ग्रीस लगे उसको टिश्यू और जो है ना यहाँ पर टूथपिक की मदद से आपने उसको क्लीन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर स्टीम बनने से सारे जो है ना अंदर ऑयल और ग्रीस जो है ना वो सॉफ्ट हो चुकी है, तो आप उसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने वहाँ वहाँ से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। टावल की जो माइक्रोफाइबर टावल लिया था मैंने उसी को मैंने डिप करके दोबारा बाइट से डोर सारे और नीचे जो मेरा ओवन है इसको भी मैंने डोर इसके भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, हैंडल भी मैंने इसके साफ़ कर लिए हैं, और वापस जो डिश है और रिंग है मैं अपने माइक्रोवेव में लगा दूंगी। और ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल प्यारा सा जो है ना माइक्रोवेव साफ़ सुथरा हो गया, और यह मुझे आराम से इसको वन भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे एंड पर मैं इसके ऊपर नया टावल लगा दूंगी, टावल भी मैं जो है ना चेंज करती रहती हूँ, और इससे क्या होता है मूड भी चेंज हो जाता है। और ये मैं पैकेट लाई थी कॉस्को से, इसके अंदर 7 टावल थे और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के डिफरेंट कलर के हैं। ज़रूरत के मुताबिक मैं ये टावल अपने चेंज करती रहती हूँ जिससे कि किचन भी जो है ना मेरा कलरफुल लगता है और ब्राइट लगता है। किचन के बाकी सारे काम तो एज यूजुअल चल ही रहे थे, कुकिंग मैंने कर ली थी, डिशेस भी मैंने क्लीन कर लिए थे, डिशवॉशर में मैंने लगाए थे कुछ बर्तन, और जो बड़े बर्तन थे उनको मैंने हाथ से धो लिया था। और अभी मैं पढ़ के आई हूँ असर की नमाज़, और मेरे जो बर्तन थे ना इस वक्त बिल्कुल उश्क थे, और मैं टाइम भी था मेरे पास, तो मैंने कहा अपनी सारी चीज़ें वापस मैं पेंट्री में लगा देती हूँ जहाँ जहाँ से मैंने उठाई हैं। तो यहाँ पर सीरियल का बॉक्स है, इसको मैं रिफिल कर रही हूँ, और ये जो है ना जी एक जो है ना सीरियल का पैकेट पूरा आराम से सीरियल बॉक्स में आ जाता है। जब मैंने अपनी पेंट्री की चीज़ें बाय की थी तो मुझे पता था कि मुझे कितने साइज़ की चीज़ें चाहिए, मैंने उसके मुताबिक ही सारी अपने जो है ना कंटेनर खरीदे थे। पेंट्री के जार की इन्वेस्टमेंट करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि आप कितनी क्वांटिटी की चीज़ आपके घर में इस्तेमाल होती है, आप कितनी क्वांटिटी चीज़ लेके आते हैं। मैंने भी जब अपना ये न्यू किचन बनवाया और मैंने पेंट्री ऑर्गेनाइज़ की थी तो मैंने देख लिया था कि मुझे कितने साल का कंटेनर चाहिए, और दालों के जो कंटेनर है वो मैं बड़े लाई थी क्योंकि हमारे घर में दाल जो है ना ज़्यादा खाई जाती है। तो मैंने इसके अंदर जो कंटेनर खरीदे थे ये तकरीबन 4 LB इसके अंदर दाल या बेसन या पास्ता वगैरह आ जाता है, और मैंने ये खरीदे थे तो इसमें अंदर 4 LB जो है ना दाल आ जाती है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो भी दाल का बैग मंगवाया हुआ है ये 8 LB का है, सो इसके आधा बैग जो है मैं डाल दूंगी और आधा जो है मैं सेव कर दूंगी, क्योंकि चने की दाल है ना वो मेरे घर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और मैं दाल का होता है जितनी आप बड़े साइज़ की कोई चीज़ लेते हो तो होल सेल जब लेते हो तो वो थोड़ी सी चीप पड़ती है। तो खैर यहाँ पे मैं चने की दाल का कंटेनर भी फिल कर दिया और बाकी दाल को मैंने सेव कर दिया है, रैप करके संभाल दिया। और कुकी का जो जार था इसके अंदर अभी कुकी मेरे पास नहीं आए हुए थे तो मैंने यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ जो है केक रस। कोई ना कोई कुकी घर में होने ज़रूरी है चाय के साथ, और जो केक रस हैं या कुकी हैं वो मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ, क्योंकि चाय के साथ थोड़ा सा नीमको या कुकी या जो होता है ना केक रस चाहिए होता है। और केक रस अब इतने महंगे हो गए हैं कि जो इनका कंटेनर भी इन्होंने जो बनाया है ना जिसमें ये केक रस आते हैं वो इतना पतला उसका प्लास्टिक कर दिया है कि अगर आप उसको अपने प्रॉपर कुकी जार में नहीं रखते हो तो वो बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। तो चलिए जी मैंने सारी अभी चीज़ें जो यूज़ की थी निकाली थी धोई थी इनको उनकी जगह पर वापस रखते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी वीकली क्लीनिंग रूटीन आपको कैसी लगी, और भी बहुत सारे इस तरह की मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स लेके आऊँगी, क्योंकि ये तो मैं डेली रूटीन में करती हूँ तो मैं सोचा वाई नॉट कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।